नमस्कार, मैं हूं मित्र और गैजेट्स फॉर यू की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के लेटेस्ट डिवाइस गैलेक्सी A7 2018 के बारे में, जो कि अपने साथ काफ़ी अमेजिंग फीचर्स लेके आता है। यह फ़ोन ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ में अनाउंस हो चुका है और इंडिया में भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि क्या मिलने वाला है आपको इस फ़ोन में, और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में और ज़्यादा तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सैमसंग जो ए सीरीज है वो मिड रेंजर सीरीज है। मीन्स यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं जे सीरीज के, मीन्स जो लोअर सीरीज है सैमसंग की, वहाँ से कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, और कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग की जो फ्लैगशिप सीरीज है, जैसे कि नोट सीरीज या फिर एस सीरीज। तो दोनों ही सीरीज का एक कंबाइंड आपको देखने को मिलता है। ए सीरीज में फ़ोन का लुक काफ़ी प्रीमियम है देखने को मिलता है, कुछ फ्लैगशिप फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, और कुछ ऐसा ही फ़ोन हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा A7 2018। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। और आप जानते ही होंगे कि A सीरीज के फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लुकिंग के साथ में आते हैं, मीन्स एक तरीके से एक फ्लैगशिप फ़ोन हमें देखने को मिलता है, और ऐसा ही आप देख सकते हैं A7 2018 में। यह फ़ोन भी आपको मिलेगा एक ग्लास फिनिश के साथ में। जी हाँ, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में आपको देखने को मिलेगा ग्लास का कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब यह है कि यह फ़ोन आपको मिलेगा मेटल और ग्लास के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो यहां पे आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम लुकिंग वाला फोन हमें यहां पे देखने को मिलता है, और वैसा भी हमने देखा है कि A सीरीज के फोन काफी प्रीमियम लुक के होते हैं। कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर A7 2018 में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सैमसंग अपने A सीरीज़ में हमेशा यूज़ करता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हालांकि J सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स में भी हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सारे फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलती, लेकिन A सीरीज़ के सारे फ़ोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो वही डिस्प्ले यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। इस फ़ोन में आपको मिलेगा फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जो कि होगा 6 इंचेस का, और यह डिस्प्ले भी आपको मिलेगा सैमसंग के इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ में, मीन 18.5:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में। तो नो डाउट डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। जी हाँ, इस फोन में आपको मिलने वाला है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर, लेकिन सैमसंग ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि ये कौन सा प्रोसेसर है, लेकिन लीक्स कहती हैं कि इस फोन में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 660 या फिर एक्जीनोस का 7885 चिपसेट। जी हाँ, 7885 चिपसेट को हम सैमसंग के 8 प्लस में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं स्नैपड्रैगन 660 के, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च किया है सैमसंग ने गैलेक्सी 8 स्टार, उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट ही देखने को मिलता है। यहाँ पर लॉन्च होंगे दो वेरियंट, जहाँ पर आपको मिलेगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज, और दूसरा वेरियंट होगा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। अब बात करते हैं कैमराज की। जी हाँ, जो इस फोन का की हाईलाइट फीचर है, एक तो है कैमरा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। जी हाँ, ये सैमसंग का पहला डिवाइस होगा यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेंसर की बात करते हैं तो वो है 24 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.7 अपर्चर के साथ में। बात करें सेकेंडरी सेंसर की तो वो है इसका 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो कि आता है f2.2 अपर्चर के साथ में। और जो तीसरा कैमरा है, जो तीसरा सेंसर है, वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का, जो कि आता है अल्ट्रा वाइड कैमरा है, मीन्स आप काफ़ी वाइड एंगल पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, और ये आपको मिलता है f2.4 अपर्चर के साथ में। तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा ये दिया गया है। बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे भी आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जो कि आपको मिलेगा अपर्चर के साथ में। तो ये है कंप्लीट कैमरा पैकेज। नो डाउट कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैमरे का एक की हाईलाइट फीचर रखा गया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर भी और फेस अनलॉक भी, लेकिन आपने देखा कि रियर साइड में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, फ्रंट साइड में भी देखने को नहीं मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर कहाँ गया? जी हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर को कर दिया है साइड में मूव। जैसा कि हमने आपको कल बताया था J6 प्लस के बारे में, वैसा ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, मीन्स फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा साइड में। तो यहाँ पर एक की हाईलाइट फीचर हो गया इसका कैमरे का, और दूसरा की हाईलाइट फीचर है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि आपको साइड में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी का, तो वो आपको मिलेगा 3300 mAh, जो कि सपोर्ट करता है क्विक चार्ज को। और अगर क्विक चार्ज को ये कह रहे हैं सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट, काफ़ी हद तक वही चांसेस हैं कि आपको स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट देखने को मिलेगा। यह फ़ोन काम करेगा एंड्रॉइड के 8.1 मी ओरियो के साथ में, और चार्जिंग पोर्ट भी USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि काफ़ी बैलेंस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा कैमरा मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम लुक वाला फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज हमें देखने को मिलने वाला है। बात करें एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इस फ़ोन का प्राइस 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में हो सकता है। अब आप ये फिर से कहेंगे कि स्नैपड्रैगन का 660, अब तो आपको 15, 16, 17
18,000 की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो 30,000 हम क्यों खर्च करेंगे सैमसंग के A7 2018 के लिए। लेकिन आपको बता दें कि कुछ पैसे तो आपको सैमसंग के लिए एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक तो है सैमसंग की ब्रांड वैल्यू, दूसरा है सैमसंग की सर्विसेज, तीसरा है सैमसंग की ड्यूरेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें मिला के कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा खर्च करने ही पड़ेंगे सैमसंग के लिए। और ये हमने पहले भी देखा है कि सैमसंग के फ़ोन थोड़े से ओवर प्राइस ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर जो सैमसंग फैंस हैं, जो सैमसंग लवर हैं, जो सैमसंग के ही फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विसेज होती हैं और उन्हें फ़ोन यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर सैमसंग ये फ़ोन इस प्राइस में लॉन्च करता है तो सैमसंग के लिए अच्छी बात होगी और सैमसंग कंज्यूमर इस डिवाइस से ज़रूर खुश होंगे। यह फ़ोन इंडिया में नेक्स्ट मंथ आ सकता है, तो अगर आप सैमसंग का कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए इस फ़ोन का, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिवाइस होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस डिवाइस के बारे में? क्या आप इस फ़ोन का वेट करेंगे? क्या आप चाहते हैं सैमसंग की तरफ से ट्रिपल रियर कैमरे वाला फ़ोन, साइड फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन? आप कितना एक्साइटेड हैं नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ है।